पहले तो मैं ख़ानदान रसूल की थोड़ी शान बयान करूँगा कि ये क्या ख़ानदान है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने सारी इंसानियत को देखा, उसमें से अरबों को मुंतखब किया, फिर सारे अरब को देखा, उनमें से मुज़र को मुंतखब किया, फिर सारे मुज़र को देखा, मुज़र आपकी नस्ल में एक शख्स है, तो कुरैश को चुना, फिर कुरैश को देखा तो उसमें से हाशिम को चुना, फिर हाशिम की नस्ल को देखा तो उसमें अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया। अन खैरुकुम अबन व नफ्सा, मुझसे आली ख़ानदान और कोई नहीं है और मुझसे आली आबाओ अजदाद और किसी के नहीं हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी दुनिया का मशरिक़ व मगरिब उल्टा पुल्टा के देखा, मैंने आपके ख़ानदान जैसा, बनु हाशिम जैसा ख़ानदान मैंने कोई नहीं देखा। निकाह होने लगा सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम का, तो आपने खुतबा देते हुए फरमाया कि अभी जिब्रील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं कि मैं फातिमा की शादी अली के साथ कर दूं। ये ऊपर से जिब्रील फैसला लेकर आए। फिर जब रुख्सती हुई तो आपने फातिमा का हाथ पकड़कर मौला अली के हाथ में देकर कहा, अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक हो। फिर आपने सैयदा से फरमाया, बेटी मेरे ख़ानदान में जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब था, मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दिया है। तो ये तो थोड़ा सा पिछला खाका हो गया, इसकी बड़ी तफसील है। जब हसन पैदा हुए, आपने पूछा अली क्या नाम रखा है, कहा जी हर्ब, जंगजू। आपने कहा नहीं, हसन। फिर जब आपने अपना लुआब मुबारक मुंह में डाला, फिर जब हुसैन पैदा हुए, आपने पूछा अली क्या नाम रखा है, उन्होंने फरमाया हर्ब। आपने कहा नहीं, हुसैन। फिर आपने फरमाया आदम की नस्ल में आज तक ये दो नाम अल्लाह ने मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखे थे, पहली दफ़ा किसी का नाम हसन और हुसैन रखा गया है। आप गली में खेल रहे थे बच्चों के साथ, हुसैन अलैहिस्सलाम, तो मेरे नबी एक शादी पे जा रहे थे, तो रास्ते में बच्चों के साथ हुसैन खेल रहे थे, तो आपने यूँ किया, पकड़ो भाई बच्चे को पकड़ो, तो हुसैन आगे भागे। फिर हमने कहा पकड़ो भाई पकड़ो, वो फिर और आगे भागे, आप लाड कर रहे थे, फिर कहा पकड़ो भाई पकड़ो, वो और आगे भागे, तो आपने पकड़ लिया और थोड़ी उठा के होंठों का बोसा दिया और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। और आपने फरमाया जो हुसैन से प्यार करेगा अल्लाह भी उससे प्यार करेगा। और एक दफ़ा फरमाया कि हसन और हुसैन से मैं भी प्यार करता हूँ, मेरा अल्लाह भी प्यार करता है, और जो इनसे प्यार करेगा अल्लाह उनसे भी प्यार करेगा, जो इनसे बुग्ज़ रखेगा अल्लाह उनसे भी बुग्ज़ रखेगा। अरब की तहजीब में अरब सरदार बच्चों को उठाना ऐब समझते थे, छोटे बच्चों को ना उठाना ऐब समझते थे, ये औरतों का काम है मर्दों का नहीं। मेरे नबी क्या करते थे, एक तो ना यहाँ उठाना, मेरे हाथ देख रहे हैं आप, ये तो एक जनरल सी बात है, लेकिन आप बाहर तशरीफ़ लाए तो हसन इस कंधे पे सवार थे और हुसैन इस कंधे पर सवार थे, और आप उनको यूँ लेकर बाहर निकले, तो एक बद्दू ने कहा, या रसूल अल्लाह आप इनसे इतना प्यार करते हैं,
आपने कहा सिर्फ मैं ही नहीं प्यार करता, इनसे मेरा अल्लाह भी प्यार करता है। जब ये थोड़े से चलने वाले बन गए तो आप जाते बेटी के घर, फरमाते ऐना लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? तो वो दोनों भागे भागे आते तो आप उनके लिए इस तरह हाथ भी टेक देते और घुटने भी टेक देते और कहते अपने ऊँट पे सवार हो जाओ। फिर दोनों बच्चों को अपनी कमर पे सवार करा के पूरे कमरे का चक्कर लगाते कई दफ़ा, फिर कहते बच्चों तुम्हारा ऊँट कैसा है? फिर उन दोनों को उतार कर ज़ैनब को बिठाते और उनको चक्कर लगवाते। एक दफ़ा दोनों बच्चों को कमर पे बिठाया हुआ था और ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे, ऊपर से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला आ गए। वो कहने लगे ओ हो 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 इतनी बड़ी सवारी। तो आपने फरमाया ओए होए होए इतने बड़े सवार, सवार भी तो देखो कौन है। तो इस तरह आपके लाड थे। अब रोने की बात बताता हूँ। आपने हज़रत उम्मे सलमा से फरमाया एक ख़ास फरिश्ता आ रहा है जो कभी नहीं आया मुझे मिलने, तो दरवाज़े पे खड़ी हो जाओ, किसी को अंदर ना आने देना। तो वो खड़ी हो गई, इतने में हुसैन आए। वो अंदर जाने लगे, उन्होंने रोका, वो रो पड़े। तो आप फरमाया करते थे मेरे बच्चों को रोने मत दिया करो, इन्हें रुलाया मत करो। बल्कि एक वाक्या और याद आ गया, दोनों बच्चे धूप में खेल रहे थे तो आप और मौला अली का गुज़र हुआ। आप कहा अली मेरे बच्चे धूप में खेल रहे हैं, जल्दी से इनको घर ले जाओ, इनको धूप लग रही है। ये नहीं पता था कि प्यासे धूप में शहीद किए जाएंगे। खैर आपको तो पता था, आगे लोगों को नहीं पता था। तो उन्होंने छोड़ दिया, आप अंदर गए। तो थोड़ी देर के बाद हज़रत उम्मे सलमा को हमारे नबी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, इतनी आवाज़ के आवाज़ दरवाज़े से बाहर आने लगी। तो उम्मे सलमा घबरा के दौड़ के अंदर गईं तो उन्होंने देखा आपने हुसैन को यूं सीने से चिपकाया हुआ था और हिचकियां मार के रो रहे थे। तो उम्मे सलमा ने पूछा माँ बाप मेरे क़ुरबान या रसूलुल्लाह क्या हुआ? तो आपने फरमाया ये फरिश्ता जो मेरे पास आया है, और एक रवायत में आता है जिब्रील थे और एक रवायत में आता है एक ख़ास फरिश्ता एक और था, ये मुझे बता रहा है कि मेरे बच्चे को मेरी उम्मत ही कत्ल कर देगी और ये वो मिट्टी है जिसमें उसे कत्ल किया जाएगा और शहीद किया जाएगा। वो करबला की मिट्टी उसने आपको दिखाई कि यहाँ आपके बेटे का खून गिरेगा। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे कूफा हिजरत करके और कैपिटल वहाँ बना रहे थे, जब दरिया फुरात के किनारे से गुज़रे तो आपने कहा सबरन अबा अब्दिल्ला, सबरन अबा अब्दिल्ला, सबरन अबा अब्दिल्ला। अबू अब्दुल्ला आपकी कुनियत थी, तो हज़रत हुसैन की। तो लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन ये क्या है? कहा मेरे नबी ने ख़बर दी थी कि इस दरिया के किनारे और इस मिट्टी में मेरा बच्चा शहीद किया जाएगा। तो मैं उसको अभी से कह रहा हूँ कि सब्र करना है, सब्र करना है, सब्र करना है। जब आप नमाज पढ़ाते थे तो वो कंधों पर चढ़ने वाली रिवायत तो मशहूर है, मैं एक और रिवायत बताता हूँ। तो एक भाई उधर बैठ जाता आपके सामने और एक आपके पीछे बैठ जाता, ठीक है, एक आगे एक पीछे। तो अब वो दोनों तबादला करते, हसन इधर घुसते, हुसैन उधर घुसते, फिर हुसैन इधर घुसते, हसन उधर घुसते। ये क्रॉसिंग दोनों बच्चों की पूरी नमाज में चलती रहती थी और आप सुकून से नमाज पढ़ाते थे। और ये वाक़या तो बहुत दफ़ा हुआ है कि कभी दोनों इकट्ठे ऊपर बैठ जाते कमर पर, कभी एक बैठता था, कभी हसन कभी हुसैन। तो
एक दफ़ा दोनों भाई ऊपर बैठ गए तो वो ज़्यादा देर बैठे तो आपने सजदा लंबा कर दिया। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम परेशान हुए कि अल्लाह के नबी को क्या हो गया, तो थोड़ा सा सर उठा के देखा तो दोनों भाई ऊपर खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। तो एक सहाबी जो करीब थे उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया उनको पकड़ कर नीचे उतारने के लिए, तो आपने यहाँ से देखा कि कोई हाथ इधर आ रहा है, तो आपने सजदे में से यूं करके इशारा किया कि मत रोको। जब दोनों बच्चे उतर गए फिर आपने सजदे से सर उठाया, नमाज पूरी करके सलाम फेर के दोनों बच्चों को गोद में लिया और कहा बे अबी हुमा व उम्मी ला तो दो हुमा, मेरे माँ बाप इन पर क़ुरबान, इन्हें कभी तकलीफ़ ना पहुँचाना। कि आप देख रहे थे क्या होने वाला है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने देखा एक दफ़ा दोनों भाइयों के साथ ऐसा होता था, लेकिन फरमाते मैंने देखा कि आपने हुसैन को यहाँ कदमों पे खड़ा किया हुआ है और उनके बाजू पकड़े हुए हैं और उनको ऐसे ऐसे झूला झुला रहे हैं जैसे माएँ बच्चों को झूला झुलाती हैं, और फिर फरमा रहे हैं इस आदिल मुर्तका पहाड़ी पे चढ़ बेटा पहाड़ी, यानी ऊपर टांगों पे चढ़। तो वो आहिस्ता 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 ऊपर आए, यहाँ तक आए घुटनों तक। आपने कहा और आगे आओ, वो और आ गया है, वो और आ गया है, वो यहाँ आप ऐसे हो गए और यहाँ सीने तक उनको चढ़ाया और उनके बाजू फिक्स करके उनका बोसा लिया और कहा ए अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार फरमा।